अभिनंदन स्वागत। मैं मधुलिका मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, बालिका हमारे घर समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आई पे माय रिगार्डफुल थैंक्स टू ऑल द वुमेन एंड डॉटर्स हु आर रिसाइडिंग ऑन द ग्लोब। ऑन टुडेज ऑस्पिशियस ओकेजन आई विश दिल अचीव ऑल द सक्सेस हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। मेरा यही मानना है और मैं आशा करती हूँ कि सारी बालिकाएं जीवन में सफलता प्राप्त करें तथा देश और समाज का नाम रोशन करें। इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। बेटियाँ ओस की बूंदों की तरह होती हैं, चांद की तरह चमकती हैं, जूही और कंचनार के फूलों की तरह महकती हैं और अपने शोक से भरी मुस्कान से घर आंगन को सुशोभित करती हैं। सूरज होती हैं बेटियाँ, चांद सी शीतलता है, वायु सा वेग है और जल सी निश्चलता है। वह नदी की धारा की तरह बहती है, चलती रहती है उन्मस्त मस्त भाव से, अपना रास्ता खुद तय करती हैं। प्रेम और जीवन की उम्मीद है, बेटियाँ हैं तो सुंदरता है, सौंदर्य है, उमंग है। सचमुच बेटियां हैं तो जीवन का कल है, सृष्टि की नूतनता है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे आने दो, मैं आना चाहती हूं, मैं भी देखना चाहती हूं सृष्टि के कोमल एहसास को। मैं रचना चाहती हूं एक नया इतिहास, मैं खुद चलना चाहती हूं, मुझे मत रोको, कोक के अंदर मेरा कत्ल मत करो, मुझे आने दो। मैं खुद कर लूँगी निर्माण अपने सुनहरे भविष्य का, अपनी कल्पनाओं का, अपनी आकांक्षाओं का और अपेक्षाओं का। मेरे कंधे पर बोझ मत बनो, मुझे आने दो, मैं भी देखना चाहती हूँ इस खूबसूरत जहान को, मुझे आने दो, मुझे आने दो। धन्यवाद।